तो लाइफ में जो मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा। यू हैव टू पुट ऑल योर कंप्लेंट्स असाइड, स्टार्ट प्रिपरेशन। क्योंकि आज तक दुनिया ये मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया। आज भी दुनिया जब ये मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया। लोग करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के। आई नेवर मेड एनी नोट्स। व्हाई? जब कोचिंग क्लासेस इतना पैसा दे के उनके लोगों को बिठा के न्यूज़पेपर में से, पीआईबी में से, पीआरएस में इतना अच्छा मंथली मैगजीन प्रिपेयर करते हैं, व्हाट्स द नीड फॉर मी टू राइट डाउन द सेम थिंग अगेन इन माय नोट्स? उससे बेटर है कि मैं वो मंथली मैगजीन बार बार रिवाइज कर लूं। सर कितने घंटे पढ़े? वन टेस्ट। रात को जब सोने जाते हो अपने आपसे पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया। वो वेस्ट होता टाइम जब कम होता दिखे, समझ लेना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। Never ever go with the quantitative parameters. दो चैप्टर खत्म करने, पांच चैप्टर खत्म करने, 15 घंटे पढ़ने। No, it's very mechanical. You have to be very careful about these things. And one very very clear thing which the classmates of mine have done the mistake: never go for any shortcut. It will never help you in UPS. You are very lucky. I tell them in reverse: luck favors the brave. कोई अपना luck साथ में लेके नहीं आता, वो बनाना पड़ता। So अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9:00 आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं, इंटरव्यू से पहले एक महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड है और उसे एक वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लक हैज टू कम विथ यू। उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो टू ईच एंड एवरीवन एंड आस्क इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं। यू हैव द इंटरनेट, फाइंड योर क्वेश्चंस एंड फाइंड योर आंसर्स बाय योरसेल्फ। When you will become an IAS, tell me one thing, कलेक्टर का चार्ज मिला आपको, कोई क्वेश्चन आया, you will go to 10 people and ask इसमें क्या करना चाहिए। No, you have to take the decision and act on that. Being an IPS, आपको कहीं पे mob handle करने जाना है, you cannot ask your subordinates or your constable, भाई इसमें क्या करूँ? You have to take decision. That decision making starts from here. मैं लक्ष्मीकांत पढ़ू, डीडी बासु पढ़ू, सुभाष कश्यप पढ़ू या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ू, यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मैं द हिंदू पढ़ू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ू, मुझे जो चीजें ज्यादा समझ में आती है, आई रीड दैट थिंग। सर कितने घंटे पढ़े? वन टेस्ट। रात को जब सोने जाते हो अपने आपसे पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया। What waste होता टाइम जब कम होता दिखे, समझ लेना कि you are on the right track. Never ever go with the quantitative parameters. दो चैप्टर खत्म करने, पांच चैप्टर खत्म करने, 15 घंटे पढ़ने। No, it's very mechanical. You have to be very careful about these things. And one very very clear thing which the classmates of mine have done the mistake: never go for any shortcut. It will never help you in UPSC. Coaching में भी ये same होगा। Your classmates will be doing something, you will be doing something. जब लोग ने लक्ष्मीकांत नहीं किया, I didn't do लक्ष्मीकांत, I didn't read योजना, I didn't read कुरुक्षेत्र, but I was so sure about my mind कि इसकी जरूरत नहीं है। योजना में करते गया है, किसी एक टॉपिक के जितने भी करंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, उसको बना के एक पूरा मैगजीन बना दिया। When you are reading the newspaper, when you are watching the Rajya Sabha TV, when you are reading the monthly magazines, जो सारी करंट अफेयर्स को ही कवर कर रहा है, तो उसी चीजों को उन्होंने सेग्रीगेट करके अलग दिया है। अब उसमें आप 3 घंटे अलग से वेस्ट करो। उससे बेटर है कि वो 3 घंटे उसी चीजों पे डालो जहां पे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली। आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था, आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम एज ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन जो आज भी 1 साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज। डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने लगती है। ये कॉन्फिडेंस लेके आपको उस सीट पे बैठना है। यही कॉन्फिडेंस चाहिए व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, डिसीजन मेकिंग। अगर हर एक टॉपिक पे आप हर एक कोई को पूछने जाते हैं, भाई इसमें कौन सी बुक पढ़ू, इसमें क्या पढ़ू, इसमें क्या करूं, देन यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस एग्जाम। और इस सारी जर्नी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो दैट इज योर लर्निंग एटीट्यूड, और नॉट फॉर यूपीएससी, फॉर लाइफ इवन।